तो दोस्तों ये है नई रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। फाइनली रात अभी काफी ज्यादा हो गई है, इसलिए जो हमें दूसरी बाइक की यहाँ पे मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि इसका जो क्रोम है रात में लाइटनिंग पड़ने पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया ग्लो करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इसका टॉप वेरियंट जो एमरेड ग्रीन कलर आता है, 2,30,000 एक शोरूम इसकी प्राइस रहने वाली है। तो आज के वीडियो में मैं इसके सारे वेरियंट्स की आपको प्राइस बताऊंगा, बाकी डिलीवरी वगैरह का क्या सीन रहने वाला है, बाइक में क्या क्या चेंजेस किए गए, कितने वेरिएंट एंड कितने कलर ऑप्शन हमें इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल आप जो सामने देख रहे हो वो है हमारे पास इसका टॉप वेरिएंट एमरेड ग्रीन कलर। ये वाला जो कलर है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्रोम कलर मिलता है। क्रोम का मतलब है कि जो मिरर लाइक इफेक्ट है वो आपको इस कलर में देखने को मिल जाता है। तो वाइड एंगल में कुछ ऐसा नजर आएगा। अब बात करते हैं कितने वेरिएंट्स में बाइक आती है, देन बात करेंगे इसके कलर कॉम्बिनेशन एंड कुछ फीचर्स के बारे में और अपडेट्स के बारे में। बाइक में टोटल 7 कलर ऑप्शन एंड 5 वेरिएंट अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस वेरिएंट से। बेस वेरिएंट की स्टार्टिंग प्राइस है 1,99,500 रुपीज, जिसमें दो कलर आते हैं। एक तो आता है जोधपुर ब्लू कलर एंड देन आता है हमारे पास मद्रास रेड कलर। क्योंकि भाई देखो रॉयल एनफील्ड एक इंडियन ब्रांड है, राजस्थान की शान है, इसीलिए ये जो बेस वेरिएंट में दो कलर है ये राजस्थान से पिकअप किए गए हैं। उसके बाद में आता है सेकंड कलर, जो आता है इसका मेडलिस ब्रोंज कलर, जिसकी प्राइस रहने वाली है 2,04,000। देखो काफी सारे ऐसे फीचर है जो सिर्फ टॉप वेरिएंट में, नीचे के वेरिएंट्स में नहीं है, उन सब के बारे में बात करेंगे। जो इसका थर्ड वेरिएंट आता है वो आता है कमांडो सैंड कलर, जो एक मैट फिनिश में दिया जाता है। अगला वेरिएंट आता है गन ग्रे एंड स्टेल्थ ब्लैक, जिसे आप मैट ब्लैक के नाम से काफी जानते होंगे। एंड उस कलर की खासियत है कि अब वो कलर पूरा ब्लैक हो चुका है, पहले उसमें काफी काफी जो रेड इंसर्ट्स आपको टैंक एंड अलॉय व्हील्स पे नजर आते थे, लेकिन अभी वो पूरा ब्लैक हो चुका है। इवन उसका जो क्लासिक 350 का लोगो है, यहाँ वाला लोगो है, सारी चीजें उसमें ऑल ब्लैक दी गई है। एंड इसके अलावा इस ये जो वेरियंट है इसकी प्राइस रहने वाली है मैट ब्लैक वाले की 2,25,000 एक शोरूम, ऑन रोड आते आते 2.5 लाख आराम से क्रॉस कर जाएगा। टॉप वेरियंट आप हमारे सामने देख सकते हो, जो कॉस्ट करता है 2,30,000 एक शोरूम। भाई कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो टॉप वेरिएंट में आपको ये जो इसका क्रोम कलर है वो देखने को मिलेगा, जिसपे जो लोगो है आपको जो इंटरसेप्टर 350 में आता है वो वाला लोगो यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे क्लासिक 350 की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। इवन इसका जो मैट ब्लैक कलर है वो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि उससे अब जो रेड इंसर्ट है वो रिमूव हो चुके हैं, वो पूरी तरह से ऑल ब्लैक कलर में आ चुका है पहले के मुकाबले। अब जो नई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है इसकी प्राइस पहले से 5,000 रुपये वो बढ़ गई है। पहले 2,25,000 में इसका टॉप वेरिएंट आता था, अब ये 2,30,000 तक इसकी जो प्राइस है वो चली गई है। देन बाइक में क्या क्या बदलाव हुए हैं, जैसे आप देखोगे आपको डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिल जाता है, डुअल डिस्क मिल जाता है, एंड साथ में पहले USB पोर्ट आता था, अब टाइप सी पोर्ट दे दिया गया, जिसकी वजह से फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं, LED आपको जो हेडलाइट है वो मिलती है, तो ऑन कर देते हैं। LED आपको हेडलाइट मिल जाती है, ये भी स्टैंडर्ड है। LED आपको पायलट लैंप दिए गए हैं, एंड LED टर्न सिग्नल्स ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपको सिर्फ टॉप एंड सेकंड टॉप वेरिएंट में मिलेंगे, बाकी सभी वेरिएंट में आपको जो से नीचे वाले वेरिएंट में हैलोजन दिए गए हैं। सेम इंजन जैसी सारी चीज़ें वही है, साउंड वगैरह भी आपको सेम मिलेगा, एंड ये है इसका कुछ कलर कॉम्बिनेशन। सो गाइस बाइक का एक बार साउंड हम चेक कर लेते हैं। सेम इंजन है, 20 BHP एंड 27 NM का टो की बाइक जनरेट कर देती है। देन आप देखोगे अराउंड 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, सीट हाइट भी काफी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। इन सब चीजों के साथ कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं की गई। इंटरसेप्टर 350 की जैसे सेम वही वाला लोगो यहाँ दिया गया है। क्लासिक 350 की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। एंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ आते हो यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर हो जाता है, ट्रिप नेविगेशन मीटर दिया जाता है, ये आपको टॉप एंड सेकंड टॉप में मिलेगा, बाकी सभी वेरिएंट में आप सिर्फ रॉयल एनफील्ड का लोगो आएगा। चाहो तो एज एक्सेसरीज आप वो चीज बाद में लगवा सकते। इसका जो सेकंड टॉप वेरिएंट है जहाँ पे मैट ब्लैक एंड जो गन ग्रे कलर है उसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, बाकी सभी वेरिएंट में आपको जो स्पोक व्हील्स है वही दिए गए हैं। एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स दिए गए हैं, टाइप सी पोर्ट हो जाता है जो फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। एंड ये है कुछ बाइक का कॉन्फिगरेशन। वेट की अगर बात करें तो अराउंड 194 kg का आपको 90% फ्यूल फिलअप करवाने के बाद इसका जो वेट है वो फील होगी। डिलीवरी की अगर बात करें तो डिलीवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इवन इसका जो बेस वेरिएंट है मेडलिस ब्रॉन्ज कलर, उसकी डिलीवरी तो जस्ट होने को रेडी है।
फिलहाल अपने पास टो वेरियंट बाइक की प्राइस अब काफ़ी बढ़ गई है, मतलब 5,000 रुपये बढ़ गई है, 2,30,000 का है इसका टो वेरियंट। स्टार्टिंग प्राइस है 1,99,000, जिसमें 5 वेरियंट और 7 कलर हमें देखने को, एंड इवन इसके जो पुराने वेरियंट्स है उसमें से कुछ वेरियंट डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, जैसे जो मैट ब्लैक, गन ग्रे, वो कलर उनमें मतलब कुछ अब बदलाव किया गया है। एंड उसके कुछ जो बेस वेरियंट जो पहले आते थे वो आज भी रखे गए हैं, जैसे उनकी जो स्टार्टिंग प्राइस पहले 1.93 लाख, लेकिन जो नए कलर्स हैं उनकी स्टार्टिंग प्राइस है 1.99,500 रुपीज़। सो गाइज, ये थी रॉयल एनफील्ड की नई क्लासिक 350, जिसका एक छोटा सा रिव्यू वीडियो मैंने आपसे शेयर किया, एंड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई बाइक की, प्राइस कितनी है, कितने वेरियंट कलर ऑप्शन में है, डिलीवरी वगैरह का क्या सीन है, एंड क्या क्या नए बदलाव इसमें किए गए हैं। अगर आपको बाइक जरा भी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई, तो मेक श्योर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।